बीते वर्षों के प्रयासों का नतीजा है कि आज हमारे एनर्जी मिक्स का 40% हिस्सा नॉन फोसिल सोर्सेज से आ रहा है। भारत ने पेरिस में जो ऐलान किया था वो हम टारगेट से 9 साल पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। फ्रेंड्स, इन प्रयासों के बीच हमें यह भी मानना होगा कि हमारी लाइफस्टाइल भी क्लाइमेट के लिए बड़ी चुनौती है। थ्रो अवे कल्चर और कंज्यूमरिज्म ने क्लाइमेट चैलेंज को और गंभीर बना दिया है। आज की जो टेक मेक यूज डिस्पोज ये जो इकोनॉमी है उसको तेजी से सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ बढ़ाना बहुत जरूरी है। COP26 में मिशन लाइफ के जिस आइडिया की चर्चा मैंने की थी उसके मूल में भी यही भावना है। लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। ऐसी रेजिलिएंट और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल का विजन जो क्लाइमेट क्राइसिस के साथ साथ भविष्य के अनप्रिडिक्टेबल चैलेंजेस में उससे निपटने में भी काम आए। इसलिए मिशन लाइफ का ग्लोबल मास मूवमेंट बनाना जरूरी है।